बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोज एस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ सेवेंथ क्लास की मैथ, जिसके एक्सरसाइज है 11.3 और क्वेश्चन है हमारा नवा। तो नवा क्वेश्चन हमारा क्या है? नवा क्वेश्चन है, साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? और पाई का मान दे दिया है 22/7। तो क्या था? एक तार था, ठीक है। ये एक तार है, इसी तार को इस तरीके से मोड़ दिया जाता है कि एक वृत्त बन जाता है। इस तार की लंबाई क्या इन्होंने दी है? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर का एक तार था। इसी तार को एक वर्ग के रूप में भी मोड़ देते हैं, मतलब ये तार या इसका एक इंड ये है, एक इंड ये है। ये तार यहाँ से चला और यहीं पे आके खत्म हो गया। ये वर्ग यहाँ से चला, तार यहाँ से चला, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब 44 सेंटीमीटर की लंबाई ये भी है, 44 सेंटीमीटर की लंबाई ये भी है। मतलब क्या हुआ? परिधि, इसकी परिधि जो है वो कितनी हुई? 44 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं कि कैसे लगेगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? नवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नवा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तार की लंबाई क्या है, क्या है तार की लंबाई, ये देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे तार की लंबाई कितनी है। तार की लंबाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तार की जो लंबाई है वो है 44 सेंटीमीटर। कितनी है? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त का परिमाप हमारा, जो तार की लंबाई है वही हमारा वृत्त का परिमाप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए वृत्त का, वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि, परिधि बोलते हैं उसको, ठीक है। परिधि बराबर क्या होती है? वृत्त की परिधि वैसे तो हमारी क्या होती है? 2πr होती है। इन्होंने दी कितनी है? 44 दी रखी है। तो हम नीचे लिख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। 2πr बराबर 44, ठीक है। तो पाई की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है? पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, ठीक है, 22/7 दे रखी है। अब यहाँ पे 22/7 रख लेंगे और गुणे में आर रख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 44, ठीक है। 2 से काट लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 22 से 22 कट गया। आर इधर हमारे बटे में 7 बचा, आर बटे 7 बराबर क्या आया? 1 आया, 1 आया था ना ये। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 × 1 = 7, 7 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आई है? 7 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या निकालने को बोला है? इन्होंने कहा है वृत्त की त्रिज्या निकाली, तो वृत्त की त्रिज्या तो हमारी निकल आई है, ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। दिख रहा है आपको? अच्छे से दिख रहा है? तो हमारा ये क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे रोशनी पड़ रही है तो हो सकता है आपको ना दिखे, पर मैं देख रही हूँ कि आपको दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में लिख ले रही हूँ, ठीक है। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना। अब इन्होंने क्या कहा है? अब ये कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है तो हम यहीं पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लें वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या दी है? 22/7, आर क्या है? 7 × 7 हो जाएगा,
एक साथ कट गया हमारा तो क्या आया 22 × 7। इसकी गुणा कर देंगे 7 × 14, 7 × 14 = 15, 154 cm² आ गया। ठीक है, ये भी हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। ठीक है, किसमें मोड़ा गया है? वर्ग के रूप में। ठीक है, तो वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया है, मतलब क्या इन्होंने किया है? इन्होंने किया है वर्ग, इसमें परिधि बोली जाती है इस चीज को, इसमें इस परिमाप बोला जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? जितना बड़ा तार है वही, उसी चीज को तो मोड़ा गया है, तो जो तार की लंबाई है वही परिमाप हो जाएगा, मतलब 44 cm। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है ये आपको पता है, आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, 4 × भुजा जो होता है वृत्त का, वर्ग का परिमाप होता है बराबर 44 cm। ठीक है, तो 4 से हम ये काट देंगे 44 को, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, तो भुजा हमारी क्या आ गई है? तो भुजा जो हमारी आ गई है वो 11 cm आ गई है। इन्होंने भुजा पूछी थी तो भुजा हमारी निकल आई है 11 cm। ठीक है, और इन्होंने कुछ पूछा है? और इन्होंने कुछ पूछा नहीं है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होता, पूछा नहीं है फिर भी अगर निकालना होता क्षेत्रफल, तो हम क्या करते? भुजा स्क्वायर कर देते। क्या कर देते? भुजा स्क्वायर हमारा फार्मूला होता है, तो भुजा हमारी कितनी है? 11 है, तो 11 × 11 हो जाता। ठीक है, तो क्या हो जाता है? 121 हो जाता आंसर। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। तो क्या किया है इस क्वेश्चन में? एक तार दिया गया था, इसी तार को मोड़ के एक वर्ग वृत्त बनाया गया है और एक वर्ग बनाया गया है, तो वही जो तार की लंबाई थी वही इसकी परिधि हो जाएगी, तो परिधि हमारी 44 cm हो गई। बराबर में रख दिया, पाई का मान रख दिया, काट पीट के हमारा क्या आ गया? आर का मान आ गया, तो आर का मान क्या आ गया? 7 cm आ गया। ऐसे ही इन्होंने क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कर दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो मतलब वर्ग का परिमाप भी हमारा कितना हो जाएगा? 44 ही हो जाएगा, और वर्ग का परिमाप 4 × भुजा होता है, तो भुजा हमारी निकल आएगी, बस हमारा क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा, और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा। ठीक है, और शेयर करना होगा। ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको, और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो आपको बता दें बाकी हमारे चैनल पे कैसे विजिट करना है और कैसे क्या प्लेलिस्ट में जाना है, इसके लिए आपको सर्च बार में जोजस स्टडी टाइप करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल का लोगो दिखेगा, जिस पे आप टच करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल जो चैनल की है वो खुल के आ जाएगी। जब आप वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रिसेंट वाली वीडियोज़ जो हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपके सामने प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी कुछ, फिर आपको एरो दिखेगा जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो कुछ और प्लेलिस्ट आ जाएंगी, फिर आपको व्यू 30 मोर दिखेगा जिस पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने सारी जो भी जितनी प्लेलिस्ट हैं सब खुल के आ जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको चाहिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की, आपको सारी प्लेलिस्ट जो हैं वो मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट की क्लासेस। फिर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पे जाने के वक्त आपको हमारे कुछ चैनल्स दिखेंगे अदर्स, जैसे कि जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट, जोजस स्टडी 9 to 12। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे चले जाइएगा,
ठीक है, और हमारे सारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।